तो अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं हूँ रामपुर से 5-10 किलोमीटर आगे। एक जगह हवा चेक कराने के लिए रुका था, पीछे हवा कम लग रही थी, इस वजह से मैं सोचा एक बार चेक करा लें, तब आगे बढ़े, पता ना आगे रास्ता कैसा हो। फाइनली अब हम इंटर करने जा रहे हैं किन्नौर में। जिन्हें नहीं पता किन्नौर किस लिए फेमस है तो उनके वो बता दूं कि किन्नौर में किन्नर कैलाश की सबसे टिपिकल यात्रा होती है। एकदम खड़ी चढ़ाई है, करीब 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पे 72 मीटर का शिवलिंग है, जो मैं साल में 2 या 3 महीने के लिए खुलता है। जैसे ही आप किन्नौर में इंटर करेंगे वैसे ही पथरीले पहाड़ों वाले रास्ते स्टार्ट हो जाएंगे। सिंगल लेन है, दोनों तरफ पहाड़ हैं और कभी गुफा बनी रहेगी, कभी क्लिफ हैंगर बने रहेंगे, उनके नीचे से उनके बीच से होते हुए आप जाएंगे। गजब का एक्सपीरियंस होता है, ये भी बहुत मज़ा आता है इसमें ड्राइव करने में और बहुत ख़तरनाक भी। आपकी एक गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, इसलिए जब भी यहाँ ड्राइव करें केयरफुली रहें। और ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी लॉन्ग राइड है जिसमें मैं किसी के साथ हूँ, अदरवाइज़ मैं सोलो ही ट्रैवल करता हूँ। कई बार मैंने ट्रैवल किया है बट इतनी लॉन्ग राइड पर मैं कभी किसी के साथ नहीं आया हूँ, और इस बार मैं ऐसे इंसान के साथ आया हूँ जो मुझे ही अपनी बातें नहीं बताता है। अभी मैंने रामपुर में उससे पूछा वापसी का, तो बोला मैंने रिजर्वेशन करा रखा है, जबकि आते टाइम मैंने ही उसका रिजर्वेशन कराया था। और उसने कब वापसी का रिजर्वेशन कराया, क्यों कराया मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट उसे एक बार बता देना चाहिए कि मैंने वापसी का रिजर्वेशन करा रखा है। जब मैं वहाँ चला तब भी उसने नहीं बताया, जब ऋषिकेश पहुँच गया तब भी उसने नहीं बताया, जब सुंगरी में रुका तब भी मैंने पूछा तब भी वो नहीं बताया। इवन मेरे साथ ट्रेन भी चेक करता रहा कि रिजर्वेशन मिल जाएगा या नहीं। अभी पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने मुझे बताया कि मैंने वापसी का रिजर्वेशन करा रखा है, तो दिमाग ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या प्लान में चेंजेस करने पड़ते हैं या कहां से वापस हो जाएं, बट जहां तक प्लान करके हैं वहां तक तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए वापसी। इस ट्रिप की पहली चेकिंग जी, हिमाचल पुलिस ने पहली बार मुझे रोका। जगह कौन सी है मुझे नहीं पता है बट लोकेशन अच्छी है। मोड़ जैसे ही पुल क्रॉस किया वैसे ही आगे खड़े थे, अचानक हाथ दिया रोका मैंने, बच गया, नहीं तो एक पुलिस वाला सामने आ गया था उनके ऊपर चढ़ जाती, बट किसी तरह कंट्रोल करके साइड में लगाया तो बोले अब इसका चालान कटेगा पक्का। मैंने बोला नहीं सर गलती हो गया, आप सामने आ गए अचानक इसलिए चढ़ गया। तो कुछ नहीं किया, डॉक्यूमेंट देखे, हेलमेट पहन ही रखा था मैंने, मास्क भी लगा रखा था, और कोई रीज़न बनता नहीं चालान करने का। नंबर प्लेट नहीं थी उसमें, आगे मैंने कागज़ से चिपका रखा था, मैंने बोल दिया नंबर प्लेट टूट गई थी चलते टाइम, इस वजह से नहीं लगाया बट जाते ही लगवा लूँगा, तो कुछ नहीं बोले, आगे जाने के लिए बोल दिया है। अभी मैं हूँ भावनगर हिमाचल प्रदेश में, और यहाँ से करीब 50-60 किलोमीटर की रिकांगपियो की डिस्टेंस अभी और बची है, और अभी ट्रैवल कर रहा हूँ मैं पीर पंजाल और धौलाधार माउंटेन रेंज के बीच में।
और जैसे ही जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पहाड़ों के स्ट्रक्चर और वैली का व्यू चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से अभी सूखे पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और थोड़े पथरीले भी हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पहाड़ों का स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा और पथरीले से मिट्टी वाले पहाड़ भी आने। और ये जो बगल में नदी चल रही है ये सतलुज नदी, जो कि आती है जम्मू कश्मीर से, और पहाड़ अभी भी वही पथरीले भी हैं और मिट्टी वाले भी हैं, दोनों तरह के पहाड़ भी मिल रहे हैं। और ये पहाड़ मिलेंगे मुझे रिकांगपियो के आगे पू तक लगभग, इसके बाद पहाड़ एकदम चेंज हो जाएंगे, मिट्टी के पत्थर वाले पहाड़ मिलने लगेंगे। तो देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं, या रिकांगपियो से ही वापसी करते हैं। और अभी थोड़ा आगे चल के करछम डैम पड़ेगा, वहाँ से एक रास्ता सीधे रिकांगपियो स्पीति वैली के लिए जाएगा और दूसरा रास्ता अगर राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो वो चला जाएगा चितकुल के लिए। तो अगर आप चितकुल जाना चाहते हैं तो आप करछम डैम से राइट ले सकते हैं, और सीधे स्पीति या रिकांगपियो काल्पा पांगी वैली के लिए जाना चाहते हैं तो आप सीधे चले जाइए। रोड देखिए अब एक नंबर की रोड है, एकदम मक्खन की तरह। रोड की मेंटेनेंस का काम अभी भी चल रहा है यहाँ पे, और पीछे रास्ता बीच बीच में और काफ़ी ख़राब था, जहाँ जहाँ भी लैंडस्लाइड जोन थे वहाँ तो बिल्कुल ही ख़राब था रास्ता। बाकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, अब देखते हैं कब तक बनता है। बाकी ये रोड तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा रोड है, यहाँ तक काम कम्प्लीट हो चुका है, पेंटिंग का काम बाकी है बस, और इसके बाद आगे भी काम स्टार्ट हो। तो ये सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, यही है आगे करछम डैम, और यहाँ से राइट लेके आप चितकुल की तरफ जा सकते हैं, जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया हिमाचल की ओर से, और सीधे रास्ता जाता है रिकांगपियो और स्पीति वैली के लिए। जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, जहाँ धूप होती है वहाँ तो काफ़ी अच्छा लगता है चलाने में, बट जहाँ भी धूप नहीं होती वहाँ पे ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं। अगर आप इधर आ रहे हैं तो शाम को जब भी चलें यहाँ पे, चाहे वो गर्मी का मौसम है या ठंडी का, यहाँ पे शाम को हमेशा ठंड बढ़ जाती है, इसलिए माइंड प्रिपेयर करके आए कि शाम को यहाँ ठंड पड़नी पड़नी। और ये है बसपा वैली, और जो चितकुल के लिए रास्ता जाता है वो जाता है सांगला वैली के लिए भी। तो सांगला वैली की तरफ तो अभी नहीं जा रहे हैं, बट बसपा वैली का आप नज़ारे देख ही रहे हैं कैसा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे नज़ारे और भी सुंदर होते जाएंगे। और ये रहा वांगचुक ब्रिज। देखिए दोनों ओर पहाड़ी पहाड़, एक जाइंट रॉक को काट के रोड बनाई गई है। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, कितनी मशीनरीज, कितने आदमी लगे होंगे इसको बनाने में, कितने लोगों की जान भी गई होगी, क्योंकि लैंडस्लाइड कब हो जाए कुछ नहीं पता है, कब कहां से पत्थर गिरने लगे कुछ नहीं पता होता है। तो थैंक्स फॉर BRO एंड थैंक्स फॉर गवर्नमेंट, जिन्होंने इतना अच्छा रास्ता बनाया हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए।
अभी मैंने रिकॉन्गपियो का रास्ता ले लिया है और यहाँ से रिकॉन्गपियो की डिस्टेंस 6 या 7 किलोमीटर और बची है। इसके बाद रिकॉन्गपियो पहुँच जाएंगे, तो देखते हैं रिकॉन्गपियो में स्टे करते हैं या कहीं और, या कल्पा या पांगी वैली में स्टे करते हैं। जैसा भी अवेलेबिलिटी होगी होटल की वहीं पे स्टे करेंगे, बाकी देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ पांगी वैली के लिए, थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा पांगी में ही स्टे करते हैं, तो अभी निकल रहे हैं पांगी के लिए। अगर वहाँ पे होटल मिल जाता है तो वहीं पे स्टे करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो वापस से रिकॉन्गपियो आएंगे या कल्पा के लिए निकलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांगी वैली, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ कोई भी होटल नहीं है। मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी तो उन्होंने कहा यहाँ पे कोई होटल नहीं है, आपको या तो कल्पा जाना पड़ेगा या तो रिकॉन्गपियो। तो अभी वापस रिकॉन्गपियो ही चलेंगे, वहीं स्टे करेंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिकॉन्गपियो और होटल ले लिया हमने, 800 रुपये का रूम मिला है, काफ़ी अच्छा व्यू है विंडो से। सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, सामने एकदम बर्फ़ के पहाड़ हैं और होटल के ठीक नीचे सेब के बागीचे भी हैं और खेत भी हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, सुबह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, देखते हैं कहाँ पे मिलता है डिनर, क्योंकि अधिकतर मार्केट यहाँ क्लोज़ हो चुकी है और यहाँ हम बाहर ठंड में खड़े कपकपा रहे हैं और भाई साहब पानी के साथ खेलना, वो भी पंखे चला के। तो ये है यहाँ के लोकल्स, ये रहा आज का अपना डिनर, डिनर करते हैं इसके बाद वापस से होटल चलते हैं, रेस्ट करते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे।